जीऊंगा मरूंगा से पापा के सपनों को पूरा करने का। ऐसा लग रहा है आज दो साल के बाद एक ऐसी बैठक है जिसमें हमारे नेता भी मौजूद हैं, शामिल हैं। चिराग पासवान को जब सबने ठुकरा दिया तो जनता ने मुझे अपनाया। देखिए हमारे साथ चिराग पासवान है जो कि आज आदमगढ़ प्रतिमा का अनावरण किए हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कि ऐतिहासिक क्षण के लिए। चिराग जी, आदमगढ़ प्रतिमा का अनावरण किया गया, ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, आपके लिए क्या कुछ कहेंगे पापा के लिए? देखिए यकीनन ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में ये पहली आदमगढ़ प्रतिमा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की लगी है। और हाजीपुर से बेहतर क्या, मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना था और आज अपनी माँ के गोद में उनकी आंचल के छांव के नीचे मेरे नेता की प्रतिमा लगी है। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, घर की बात है। आज दो साल के बाद ऐसा लग रहा है कि मूर्ति प्रतिमा के तरह नेता हमारे जीवित हम लोग के सामने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है आज दो साल के बाद एक ऐसी बैठक है जिसमें हमारे नेता भी मौजूद हैं, शामिल हैं। भावुक क्षण है यकीनन, कभी सोचा नहीं था उनके बिना उनका जन्मदिन मनाना पड़ेगा, पर आज खुशी है, गर्व है कि मैं अपने नेता के विचारों, उनके सपनों को आगे लेके जा पा रहा हूँ। कैद कर रहा था वो क्षण जिस तरीके से भावुक हुए और अपनी मम्मी के साथ आप जब श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर रहे थे माला के साथ, तो एक खास क्षण था। ऐसे में जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है ये हाजीपुर, ऐसे में यहाँ से लगातार वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे और आज जो है पूरे जनता जो है आज उनको चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जनता का ही प्यार है जिन्होंने हमारे नेता को भाई लोग ही बनाते हैं। आज रामविलास पासवान जाने जाते हैं जनता की वजह से। चिराग पासवान को जब सबने ठुकरा दिया तो जनता ने मुझे अपनाया, मेरे अपने परिवार के भी उसमें लोग रहे पर जनता ने मुझे अपनाया। जनता का ये प्यार है कि आज पार्टी पूरा परिवार मजबूती से पुनः वही खड़ा है जहाँ पापा हम लोग को देखना चाहते हैं। आज अपने पापा के लिए क्या कहेंगे जो कि अब नहीं है लेकिन राजनीतिक जीवन में आप सक्रिय हो गए हैं, ऐसे में पूरे बिहार के लिए उनके लिए जो बचे हुए काम है क्या कुछ अधूरा रह गया है, वो काम को कैसे अब आप करेंगे? पापा के सपनों को ही पूरा करना मेरी जिंदगी का अब एकमात्र लक्ष्य है। जीऊंगा मरूंगा से पापा के सपनों को पूरा करने का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिल्कुल, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि पापा की जो यादें हैं अब यादें भावुक पल में बयां हो रही है और जब आज जो है मेरे परिवार के साथ जब हम लोग सभी लोग पहुंचे और पापा के मूर्ति का अनावरण किया गया, ऐसा लगता है कि पापा दो साल पहले चले गए लेकिन आज भी वो हमारे सामने हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। मतलब कि हाजीपुर की पूरी जनता जो है उनके लिए एक खास तोहफे को साथ हमसे मिलने आई है, कई सारी यादें हैं उनको और कई सारे भेंट जो है हाजीपुर की जनता जो है आज चिराग पासवान और उनकी जो माता है उनको सौंपा गया है। तो बेहद भावुक क्षण उनके लिए जब वो माल्यार्पण अर्पित कर रहे तो अपनी माता के साथ जो है वो भावुक हो गए, वो भी तस्वीर आपको सामने था, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कहा कि मरूंगा जीऊंगा और अपने पापा के सपने का साकार करूंगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए आईवी टीवी, हमारे सहयोगी राजीव के साथ मैं विभू हाजीपुर। आईवी टीवी देखता है इंडिया।